गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका मोनिका आज आपको हिंदी की भाषा माद्री में से पार्ट एक जिसका नाम है सीखो पढ़ाने जा रही हूँ। आप मेरे पीछे पीछे इसको बोलेंगे और दोहराएंगे, साथ ही साथ आपने पेंसिल के साथ इसके जो कठिन शब्द हैं उसको अंडरलाइन करना है, जिसे कि आप अपनी कॉपी पर बाद में लिखेंगे। चलो आओ कविता को दोहराते हैं। सबसे पहले, सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। फिर से पढ़ेंगे एक बार, सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, सदा समय पर पाठ पढ़ो दीन दुखी की मदद करो। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, सदा समय पर पाठ पढ़ो दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई, अपने बड़ों को शीश झुकाओ कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। कभी किसी से न करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई, अपने बड़ों को शीश झुकाओ कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। अब मैं आपको इसमें कठिन शब्द बता रही हूँ, आपने अपने पेंसिल से इसे अंडरलाइन करना है। सबसे पहले सूरज, उसके बाद किरणों, सीखो, दूसरी लाइन में समय, उठना, चींटी, मेहनत, बढ़ना। सेकंड पैरा में से इधर उधर फेंको कूड़ा, कूड़ेदान, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो, और उसके बाद है दीन दुखी की मदद। मदद को आपने अंडरलाइन करना है। आगे करना है लड़ाई, उसके बाद मिलजुल कर, उसके बाद भलाई, शीश झुकाओ कोयल सुनाओ। ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसे अपनी कॉपी पर बार बार लिखते लिखते दोहराना भी है। अब इस पार्ट का क्या मतलब है जो आपने पढ़ा है सीखो, आपने क्या सीखना है। सबसे पहले उसने बोला है सूरज की किरणों से, सूरज की किरणें देखो कभी भी लेट नहीं आती, जो उनका टाइम फिक्स होता है आप सुबह जब भी उठते होंगे देखते होंगे कि सूरज निकल आता है, तो उसका जो फिक्स टाइम है, तो आपने क्या सीखना है सूरज से, जैसे वो सदा समय पर निकलता है हमें भी अपना टाइम से ही उठ जाना चाहिए। चींटी से अब तुम सीखो, चींटी देखिए आप कितनी छोटी होती है पर वो अपना कितनी दूर से खाना लेके आती है, चलती जाती है, फिर अपना काम करती जाती है, वो यानी इतनी छोटी होकर इतनी मेहनत करती है, तो आप इतने बड़े होकर मेहनत क्यों नहीं कर सकते। तो आपको भी क्या करना चाहिए, मेहनत से आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमें जो काम मिलता है हमें उसे करते ही जाना है। उसके बाद है इधर उधर मत फेंको कूड़ा, आपको आपके घर में भी मम्मी पापा हैं या क्लास में भी टीचर बताते हैं कि इधर उधर मत फेंको कूड़ा, जब भी आप जैसे पेंसिल शॉप करते हैं या कोई कागज़ होता है या आपके घर में भी कोई फ्रूट्स के छिलके वगैरह होते हैं, हमेशा क्या होता है इन सबको हमने डस्टबिन के कूड़ेदान, इसको क्या बोलते हैं डस्टबिन, तो उस डस्टबिन कूड़ेदान में ही हमने ये सारा कूड़ा डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना हमें इसे। सदा समय पर पाठ पढ़ो, और हमें जब भी जो काम जिस टाइम पर दिया जाता है हमें उसी पर ही करना है, जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया तो आज ही आपने इसका काम कंप्लीट कर लेना, ये नहीं कि मम्मा मैं कल कर लूँगा थोड़ी देर में करूँगी, ऐसा नहीं करना, उसका टाइम फिक्स करिए कि हमने ये काम अपने फिक्स टाइम पर ही करना है। दीन दुखी की मदद करो, दीन दुखी यानी जो हम गरीब है या किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी हमें दीन दुखी की मदद करो, हमने उनकी क्या करनी है मदद, सहायता करनी है, हेल्प करनी है, जिस चीज़ से भी हम हेल्प कर सकते हैं हमने उसकी
हेल्प करनी है, कभी किसी से ना करो लड़ाई। इसका मतलब कि हमें किसी से भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम बहन भाई हैं तो घर में मम्मी पापा को तंग करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, या क्लास में भी हम बच्चे आपस में क्या करते हैं कि लड़ाई करने लग जाते हैं। तो हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। इसका मतलब है कि हम जब एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो हम एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। अपने बड़ों को शीश झुकाओ। जैसे आप इस में देख पा रहे हैं कि ये बच्चा है जो अपने माता पिता को क्या कर रहा है, शीश झुकाओ, पैरों को, फीट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे हम भी आपको क्लास में बताते हैं कि अपने बड़ों को हाथ जोड़कर नमस्कार या गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए और लड़कों को पैर छूने चाहिए, तो अपने बड़ों को शीश झुकाओ। कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। कोयल जैसे बहुत मीठा गाती है, हमें भी सबके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब ये तो रहा आपका लेसन नंबर एक, सीखो। अब आपने जो इसका पेज नंबर दो, उसके ऊपर सही और गलत का निशान से, अब इसमें दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से जो ठीक हैं उन पर ठीक चिन्ह लगाएं। तो आपने ये वाला अपने आप कविता को पढ़ना है और ये ठीक और गलत का निशान लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके प्रश्न के उत्तर लिख कर बताऊँगी, तो आपने उसे बाद में उसे अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही काम है कि कठिन शब्दों को बार बार पढ़ना है, कविता को याद करना है और उसे अपनी कॉपी में कठिन शब्दों को लिखना है। धन्यवाद।